नमस्कार और स्वागत है आपका क्रेडिबल हिस्ट्री के इस एपिसोड में। इस बार हम लोग बात करेंगे गांधी हत्या के दौरान। नमस्कार, आज बात करते हैं उस हथियार की जिससे गांधी की हत्या हुई। अक्सर इस हथियार को लेकर तमाम सारी बातें होती हैं। कोई कहता है गोरखपुर के गोरखनाथ मठ से यह हथियार आया था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन अगर आप गांधी हत्या के दस्तावेज पलटते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गांधी हत्या के लिए हथियार कौन सा यूज किया गया था और गांधी हत्या के लिए जो हथियार था वो कहां से आया था। असल में जो पहली साजिश थी गांधी हत्या की वो थी 20 जनवरी 1948 के लिए। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने ये योजना बनाई थी कि 20 जनवरी 1948 को गांधी जब प्रार्थना सभा में बैठेंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। और ये योजना कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे और उसका छोटा भाई गोपाल गोडसे जो है वो एकदम बच के निकल जाए। इस योजना में यह था कि मदन लाल पाहवा जो शरणार्थी था और उनके साथ था उसको बम फेंकना था जहां गांधी बैठ के प्रार्थना प्रवचन दे रहे थे, उसके पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे उन सर्वेंट क्वार्टर्स में छुप के उसको बम फेंकना था। बम क्या? हथगोला फेंकना। अब हथगोला फेंकने से क्या होता? भगदड़ मच जाती। और इसी भगदड़ का फायदा उठाकर दिगंबर भड़के और उसका जो नौकर था शंकर, जिसकी यह हालत थी कि बेचारे को ना हिंदी आती थी ना मराठी आती थी, उसको थोड़ी देर पहले तक ठीक ठीक ये पता भी नहीं था कि वो क्यों वहां जा रहा है। लेकिन चूंकि उसका मालिक दिगंबर भड़के उसमें शामिल था, वही दिगंबर भड़के जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, तो वो भी चला गया। तो एक एक पिस्तौल होनी थी दिगंबर भड़गे के हाथ में और शंकर के हाथ में। अब ये दो पिस्तौल कहां से आई इसका भी किस्सा सुनिए। दरअसल जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और आप जानते हैं कि सावरकर उस समय अंग्रेजी सेना में भर्ती करा रहे थे, तो गोपाल गोडसे भी उस सेना में भर्ती हुआ। और सेना में भर्ती होने के चलते उसको एक वेबले स्कॉट रिवॉल्वर मिली थी। जब वो लौट के आया सेकेंड वर्ल्ड वार से तो नाथूराम ने उसको सलाह दी कि ये फेंको मत, इसको कहीं छुपा के रख दो। तो उसने अपने गांव में जमीन के नीचे उसको छुपा के रख दिया था। और जब गांधी हत्या की योजना बनी तो नाथूराम ने उससे कहा कि वो रिवॉल्वर जो तुम छुपा के रखे उसको लेके आओ। गोपाल गोडसे को पागलपन चढ़ा, उसने कहा रिवॉल्वर तो मैं लेके आऊंगा लेकिन मैं भी उस हत्या में शामिल हूं। तो इस तरह से गोपाल गोडसे उस हत्या में शामिल हुआ और वो अपना हथियार लेकर आया, वो वेबले स्कार्ट जो उसके पास थी वो गांव से निकाल के लेके आया। लेकिन नाथूराम को भरोसा नहीं था कि इतने दिनों से जो जमीन में दबा के रखी गई है वो पूरी तरह से कामयाब होगी कि नहीं होगी, इसलिए उसने दिगंबर भड़गे को जो अवैध शस्त्रों का व्यापारी था उससे उसने कहा कि भाई एक बड़े रिवॉल्वर का इंतजाम करो। और भड़गे ने 0.132 बोर की एक रिवॉल्वर का इंतजाम किया। तो इनके पास दो रिवॉल्वर थी, एक जो गोपाल गोडसे को मिली थी युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वेबले स्कॉट जो उसने वापस नहीं किया था। और इससे यह भी समझ में आता है कि नाथूराम के मन में इस तरह की योजना बहुत दिनों से चल रही थी, तभी तो उसने गोपाल गोडसे से कहा था वापस नहीं करो, इसको संभाल के रख दो। गांधी हत्या का षड्यंत्र साफ नजर आता है कि काफी पुराना था। खैर, हुआ ये कि दिगंबर भड़के था चालाक आदमी, उसके समझ में आ गया कि भैया ये गोपाल नाथूराम आपते तो बच के निकल जाएंगे, ये भीड़ में है, शोर शराबा होगा, बच के निकल जाएंगे, फंसेंगे हम, हमारा नौकर और मदन लाल पाहवा। तो मदन लाल पाहवा ने तो जुनून में हथगोला चलाया जिससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दिगंबर भड़गे और शंकर ने पहले ही अपनी जो रिवॉल्वर थी, अपनी जो बंदूकें थी, वो उस टैक्सी में छुपा कर रख दी थी जिस टैक्सी से वो आए थे और जिस टैक्सी से लौटने का। तो जब ये धमाका हुआ, भगदड़ मची तो नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, नाथूराम इंतजारी करते रह गए और दिगंबर भड़गे और शंकर ने गोली चलाई ही नहीं। इस तरह से 20 जनवरी को बापू बच गए। उसकी भी कहानी है, किसी ने कहा कि शायद किसी नाराज शरणार्थी का प्लान है ये। बापू ने कहा कि पागल हो गए हो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि एक लंबे षड्यंत्र का हिस्सा है। गांधी को आहट हो चुकी थी कि उनकी हत्या के लिए लंबा षड्यंत्र। इस घटना के बाद, इस असफलता के बाद गोडसे ने यह फैसला किया
कि वो अपने गुरु विनायक दामोदर सावरकर को चेहरा तभी दिखाएगा जब वो अपने मकसद में सफल होकर लौटे। और इसलिए नारायण आपटे की जगह उसने खुद कमान ली अपने हाथ में और यह तय किया कि अब हत्या वो खुद करेगा। और दूसरी बार जो उन्होंने 30 जनवरी की प्लानिंग की उसके लिए 27 जनवरी को बंबई से फ्लाइट से वो आए। आदतन उन्होंने अपना फर्जी नाम लिखवाया गोडसे और आपटे ने। गोडसे ने अपना नाम दिया डी विनायक राव और आपटे ने अपना नाम दिया एन विनायक राव। और दिल्ली आकर सीधे ये पहुंचे ग्वालियर। रात में ग्वालियर ये पहुंचे, वहां से तांगा लिया, तांगा लेके दत्तात्रेय परचुरे के घर पहुंचे। दरअसल दत्तात्रेय परचुरे से विनायक की पुरानी दोस्ती थी। जैसे गोडसे ने हिंदू सेना बनाई थी वैसे ही दत्तात्रेय परचुरे जो ट्रेनिंग से तो डॉक्टर था लेकिन ज्यादा काम वो हिंदू महासभा का करता था और खासतौर पर विभाजन के बाद वो सपने देख रहा था कि ग्वालियर स्टेट में शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। तो दत्तात्रेय परचुरे से पुराना मिलना जुलना था नाथूराम गोडसे का, उसको पता था कि दत्तात्रेय परचुरे जो है वो बंदूक का इंतजाम कर सकता है। तो रात को वो दत्तात्रेय परचुरे के घर पहुंचे। परचुरे ने कहा कि ठीक है रात को आराम करो, सुबह हम इंतजाम कर देंगे। और सुबह तीन लोग थे जिनसे उन्होंने बात की, गंगाराम सखाराम दंडवते, सूर्यदेव शर्मा और एनके जाधव। इन तीन लोगों से परचुरे ने बात की और फाइनली गंगाराम सखाराम दंडवते जो है वो 9mm बरेटा पिस्तौल जो थी वो लेकर आए और वो पिस्तौल और 7 कारतूस आपटे और गोडसे ने खरीदी। उसका भी कस्सा मजेदार है, 500 रुपए वो मांग रहे थे लेकिन 300 रुपए दिया, 200 रुपए उधार लगा दिया, यानी उस समय भी वो उनकी जो बुद्धि थी वो पूरी तरह से चल रही थी। तो खैर यही वो पिस्तौल थी 9mm बरेटा जिससे गांधी की हत्या की गई। इसके बाद की एक छोटी सी कहानी और है कि ये जो तीन लोग थे जिनका मैंने नाम लिया, सूर्यदेव शर्मा, गंगाराम सखाराम दंडवते और एनके जाधव, इनका नाम भी उस आरोप पत्र में था लेकिन फरार की तरह इनको दिखाया गया और आश्चर्यजनक बात है कि इनकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। और ग्वालियर में जो तकनीकी गलतियां कुछ हुई थी उनके चलते दत्तात्रेय परचुरे भी, उसने जब अपील की लाल किले में, सजा उसको हुई थी लाल किले वाले मुकदमे में, लेकिन जब पंजाब हाईकोर्ट में मामला गया उसने अपील की तो दत्तात्रेय परचुरे को भी तकनीकी आधार पर छोड़ दिया गया, यानी जिन लोगों ने बंदूकों का इंतजाम किया था उनको कोई भी सजा नहीं। अब गोरखनाथ पीठ का नाम क्यों आता? दरअसल 27 जनवरी को तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, महंत दिग्विजयनाथ, प्रोफेसर राम सिंह और वीजी देश पांडे। ये 27 जनवरी को ही इनकी गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि ये लोग एक पब्लिक सभा में जनता को गांधी हत्या के लिए भड़का रहे। तो गांधी हत्या के तीन दिन पहले गांधी हत्या के लिए लोगों को भड़काने के जुर्म में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन हथियार उपलब्ध कराने में प्रत्यक्ष तौर पे दिग्विजयनाथ का कोई हाथ नहीं। लेकिन इतना तो जरूर है कि दिग्विजयनाथ और हिंदू महासभा से जुड़े लोग लगातार गांधी हत्या के लिए, दंगे कराने के लिए और इस तरह की चीजों के लिए लोगों को उकसा रहे। इस संबंध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 मई 1948 को सरदार पटेल को एक पत्र लिखा और उस पत्र में यह कहा कि हम हिंदू महासभा का एक नेशनल कन्वेंशन करना चाहते हैं, इसलिए जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। सरदार पटेल ने कहा कि ये लोग संगीन जुर्म में गिरफ्तार हैं और अपनी सजा पूरी करके ही छूटेंगे, हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने के लिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो बस ये छोटा सा किस्सा था। डिटेल जानने के लिए आप जानते ही हैं मेरी किताब उसने गांधी को क्यों मारा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी साजिश और सारी चीजें दी हैं। कपूर कमीशन ने इस हत्या की जो जांच की थी उसको बहुत डिटेल में दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उस किताब को पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।